स्वास्थ्य एवं गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा, हम कोरोना के बिगड़ते हालात पर कंट्रोल कर रहे हैं। हर दिन 6 से 7 हजार कोरोना टेस्ट मध्य प्रदेश में हो रहे हैं। मध्य प्रदेश में कोरोना रिकवरी रेट 76% हो गया है। कोरोना मरीज के इलाज के लिए डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा, मध्य प्रदेश में रिकवरी रेट 76% है। स्वास्थ्य सेवाओं में लगातार सुधार हो रहा है। कल 175 नए केस आए थे तो 200 से ज्यादा लोग स्वस्थ होकर घर भी गए थे। पॉजिटिव केस से ठीक होने वालों की संख्या ज्यादा है। प्रदेश में हर दिन 6 से 7 हजार टेस्टिंग की जा रही है। गैस पीड़ितों की कोरोना से सबसे ज्यादा मौतें होने पर उन्होंने कहा, भोपाल को मॉडल बनाकर अगले हफ्ते से घर घर जाकर सर्वे होगा। सभी टीम एक ही दिन में सभी वार्डों में सर्वे करेंगी। जहाँ तक मध्य प्रदेश का सवाल है, तो आपने खुद ने भी कहा, मैं भी रोज कहता हूँ कि हमारी जो है डबलिंग रेट 50 के ऊपर हो गई है। रिकवरी रेट हमारी 76 के आसपास आ गई है। तो जब रिकवरी रेट इतनी अच्छी जिस प्रदेश की हो, कि हिंदुस्तान में हम टॉप कर रहे हैं, हम लगातार चाहे रिकवरी रेट हो, चाहे डबलिंग रेट हो, चाहे स्वास्थ्य सेवाओं के सुधार की बात हो, स्वास्थ्य सेवाओं में भी लगातार चाहे आज हमारे पास कुल 2400 कुछ पेशेंट बचे हैं 2500 के लगभग। आप देखें ये एक्टिव केस है वर्तमान के। कल अगर 175 नए केस आए थे तो 200 केस हमारे डिस्चार्ज भी हुए थे, रिलीव होके घर गए थे। बीमार मिलने से ज्यादा स्वस्थ होने की संख्या हमारी लगातार है। ये तब है जब हम टेस्टिंग 6,000 से 7,000 रोज कर रहे हैं। इसलिए कोई भ्रम की स्थिति नहीं बने। मैं जो बात कह रहा हूँ वो प्रमाणिक कह रहा हूँ, आंकड़ों के आधार पर कह रहा हूँ, तथ्यों के आधार पर कह रहा हूँ। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।